जनपद सिंहावल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत हटवा बाजार में मुख्यमंत्री की लाडली बहन हटवा चितक बघेल परिवार की महिला और उनके पति भी साथ थे। राखी बांधकर लौटते समय हटवा के कुछ पटेल परिवार रात में छेड़खानी और मारपीट जैसी घटना का अंजाम दे रहे हैं। कुछ गहने भी छीने और झूमा झपटी भी की। रात 8 बजे से बैठे बैठे 11 बजे के बाद FIR हुई। वहीं सीधी SP रविंद्र वर्मा और कटंगी SP के दबाव के बाद हस्तक्षेप करने के बाद शिवराज के राज में नहीं है महिला सुरक्षित। पीड़ित महिला खुद कटनी जिले में पदस्थ है। पुलिस जब शिवराज के राज में पुलिस कर्मी खुद सुरक्षित नहीं है, आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल, कैसे कोई अपनी माँ बहन बेटी लेकर साथ में निकलेगा? आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 427, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस विवेचना कर रही है इस मामले में। ये मैं वहाँ से आ रही थी, बस से उतरी हूँ। उसके बाद मुझे हम लोग जब यहाँ आने लगे घर तरफ, तो ये कुछ लोग आके हम लोग साथ जबरदस्ती करने लगे, जीना झपटी करने लगे और मार पिटाई करने लगे। हम लोग अपने बचाव करके भागे वहाँ से। फिर भी वो लोग वहाँ से दौड़ा दौड़ा के फिर गहरा तक हम लोग को आके मारे हैं और जीना झपटी किए हैं और कुछ हम लोगों का सामान भी छीन लिए हैं। क्या आपके परिचित के थे वो लोग? जी, हम लोग पहचानते हैं उनको, तो पुरानी, गांव के ही है। पुरानी कोई रंजिश रही होगी? कुछ नहीं था। तो फिर ऐसे कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया? मुझे क्या पता क्या था, लूट के मकसद से आए। हम लोग तो आते ही नहीं है, वो लोग लूट के मकसद से आए थे क्योंकि हम वहाँ से आए जैसे उतरे और वो लोग आए हम लोग के पीछे क्योंकि हम लोग गोल्ड भी पहने हुए थे। अब रक्षाबंधन में हम लोग अपने घर आए हैं तो गोल्ड पहन के आते, शायद वो लोग लूट के हिसाब से ही आए हैं। और हमारा थे साथ में? जी सर, मैं उनके साथ में आया था। तो क्या हुआ, इन लोगों बताएंगे? ये लोग रास्ते से आ रही थी, उसने वो लोग अश्लील गालियों का अवध प्रयोग कर रहे थे। और क्या नशे में थे वो लोग? जी नहीं, नशे में नहीं थे और गंदी नजर से देख रहे थे और कुछ गलत सोच की वजह से इनसे छीना झपटी कर रहे थे। लोग थे सर उसमें? थे तो 5-6 तो मेन फ्रंट पे थे, बाकी और बैकअप में थे। अब वो कितने थे गांव में क्या कहें, किसको कहते हैं? तो कई लोग भी मिलके मारे हैं आपको? हमें लगभग 5-7 लोग मिलके मारे। हमारी यहाँ हाथ पे लगी है, ये चोट आई है, ये चोट आई है, यहाँ पीठ में लगी है, अभी दर्द हो रहा है। और वो मार्केट से एक बार छोड़ने के बाद माहौल जब थोड़ा सा शांत हुआ, उसके बाद फिर हम लोग चल रहे थे। ये गहरा बारा है आपका, यहाँ से हटवा के आगे वहाँ तक आए हैं और फिर वहाँ पे छीना झपटी की। उसी टाइम पे इनका गोल्ड का जो वो था नेकलेस था, मंगलसूत्र, अंधेरे में वो छीना है। मेरी वाइफ भी ली थी, मंगलसूत्र पहनी थी और उनका छोटा था, वो भी छीने हैं और पूरे कपड़े फाड़ दिए हैं। और बताइए कि हम किसके पास जाए? पुलिस है तो स्टाफ है, जब सगा नहीं है तो आप पब्लिक का कैसे होगा? दर्द हो रहा है। और वो मार्केट से एक बार छोड़ने के बाद माहौल जब थोड़ा सा शांत हुआ, उसके बाद फिर हम लोग चल रहे थे। ये गहरा बारा है आपका, यहाँ पे हटवा के आगे वहाँ तक आए हैं और फिर वहाँ पे छीना झपटी के। उसी टाइम पे इनका गोल्ड का जो वो था नेकलेस था, मंगलसूत्र, अंधेरे में वो छीना है। मेरी वाइफ भी ली थी, मंगलसूत्र पहनी थी और उनका छोटा था, वो भी छीने हैं और पूरे कपड़े फाड़ दिए हैं। और बताइए कि हम किसके पास जाएँ? पुलिस है तो स्टाफ पे, जब सगा नहीं है तो आम पब्लिक का कैसे होगा?